Yes. So we already seen last time the Doppler effect and the related formulae. Now we'll see the different aspects of using Doppler effect in the MCQs. So yes. Okay, so see here, in case of the Doppler effect, there are two things that is important. One is the source. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं already, एक होता है source और दूसरा होता है observer. ठीक है, तो अभी इन दोनों का जो velocity है तो वो Vs और Vl इससे denote किया जाता है. And depending upon whether the situation is approaching. If there is a approaching situation, that means both of them are just moving towards each other, then the apparent frequency as heard by this observer will be obtained to be simply V plus VL upon V minus VS into N, where N stands for the actual frequency emitted by the sound or by the source of the sound. And if there is a receding situation, means both of them are moving away from each other, then in this case, the apparent frequency happens to be simply NA is equal to V minus VL upon V plus VS into N. तो ये हमने already देखा था. Yes. अभी देख सकते हो कि अभी इसको use करके हम अलग अलग situations consider कर सकते हैं. देखो ठीक से. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक पर्सन है, देखो सपोज द सोर्स ऑफ द साउंड इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. ओके, यहां पे सोर्स है और वो इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. ओके, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना कि सपोज इस रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज सपोज आर एंड द एंगुलर वेलोसिटी विथ विच इट्स मूविंग हियर इज ओमेगा. ओके, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. सो एंड सपोज दैट ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड at some distance away from this circle. Suppose यहाँ पे ये observer खड़ा है, इधर, this is the observer. Okay, so in this case, and suppose that this radius जो है, वो radius इतना ज़्यादा matter नहीं करता है, ठीक है? तो अगर मान लो कि वो radius इतना ज़्यादा matter नहीं करता है, इतना बड़ा नहीं है, वो it is negligible as compared to this distance. ये पूरा जो distance है, तो उसके सामने ये radius बहुत छोटा है. तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही होगा और इवन ये डिस्टेंस भी उसके साथ सेम ही होगा, नो डाउट. बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन दिस सोर्स विल बी एट द हाईएस्ट पॉइंट हियर, यहाँ पे जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, सो इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड वी विच इज गिवन बाय आर ओमेगा. ओके, विच इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी in case of circular motion, uniform circular motion, if you remember v is equal to r omega, ye equation hai. To isliye is vl ko, sorry vs ko humko yahan pe r omega lena hoga, correct hai? Aur yahan pe jo hai is at point b here, suppose this is the point a and this is the point b, so at point b here the source will be moving towards the observer with the same speed, that is vs, which is going to be actually equal to r omega. So we can see in this situation at point A here, the frequency heard by this observer here. तो यहाँ पे जो observer है, तो उसके द्वारा जो frequency मिलेगा, तो वो frequency कितना रहेगा? तो हम बोल सकते हैं N A, उसको हम बोल देंगे, चलेगा ना? N A, which is actually going to be equal to, अभी हमको यहाँ पे वही formula use करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, observer जो है, वो rest में है, तो we can say that VL is actually going to be zero. So यहाँ पे और ये जो सिचुएशन है वो रिसीडिंग है,
क्योंकि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी दिस रिसीडिंग सिचुएशन। एंड रिसीडिंग सिचुएशन के अंदर हमको क्या करना है, VL के बदले जीरो डालना है और VS के बदले हमको ये डालना है VR ओमेगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हमको मिल जाएगा V अपॉन V प्लस VS विच इज एक्चुअली R ओमेगा इंटू N। हियर दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड और हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन द सोर्स इज एट पॉइंट ए हियर एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बट व्हेन द सोर्स विल कम एट द पॉइंट बी हियर इन दैट केस इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड इट विल बिकम द अप्रोचिंग सिचुएशन। एंड एज वी नो दैट इज इन केस ऑफ अप्रोचिंग सिचुएशन द फ्रीक्वेंसी हर्ड विल बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना होगा अप्रोचिंग सिचुएशन में। तो इसलिए यहाँ पे एन बी जो है मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन द सोर्स इज एट पॉइंट बी विल बी एक्चुअली वी माइनस वी एल। वी एल तो फिर भी जीरो है तो VL मतलब V अपॉन V माइनस VS बट VS इज ऑलरेडी R ओमेगा सो देयरफॉर देयर विल बी अ R ओमेगा हियर करेक्ट है। सो इन दिस वे वी कैन गेट दिस इन मल्टीप्लाइड बाय N एज द फाइनल वैल्यू ऑफ NB वेयर NB स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स इट एंड एट अ पॉइंट B हियर लाइक दिस। ओके तो ये एक तरह से डॉपलर इफेक्ट का एक एप्लीकेशन ही है हम समझ सकते हैं आराम से। यस दूसरी तरफ अगर मान लो कि इफ यू कंसीडर द सिमिलर सिचुएशन बट इन दिस केस सपोज द सोर्स इज at rest and suppose the person is moving matlab observer jo hai wo rotational motion ya circular motion perform kar raha hai but source jo hai wo rest mein hai to kya hoga formulas slightly change ho jayenge dekho theek se yes सपोज दैट अभी सर्कल में घूमने वाला कौन है लिसनर है ठीक है लिसनर इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कल सपोज दैट इट इज एट पॉइंट ए एट सम पॉइंट एट सम टाइम एंड एट पॉइंट बी हियर एट सम टाइम एंड सपोज दैट देयर इज अ सोर्स दिस इज द सोर्स हियर यहाँ पे सोर्स है जिसमें से वेव्स इमिट होने वाले है और ये वेव्स जो है वो ये लिसनर सुनेगा तो अभी ये लिसनर के पास पहुंचने वाले जो वेव्स है उनका फ्रीक्वेंसी जब ये लिसनर इस तरफ मूव कर रहा होगा तो कितना होगा और जब ये लिसनर इस तरफ मूव कर रहा होगा तो कितना होगा इट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द स्पीड ऑफ द लिसनर इफ सपोज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कंसिडर्ड एज आर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सर्कुलर मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज सपोज ओमेगा देन वी कैन गेट दिस वी एल एक्चुअली टू बी इक्वल टू आर ओमेगा and hence the frequency observed by the listener when it is at point A here will actually be equal to abhi yahan pe humko ye wala formula use karna padega kyunki receding situation hai fir se to yahan pe ye wala formula use karenge to humko kya milega dekho but yahan pe humko vl ke badle yahan pe r omega replace karna hai to isliye ye banega v minus r omega and that is to be divided by v because vs is zero correct hai because the source is at rest and that's why vs will actually be equal to zero but vl will be equal to r omega and we can use this formula because there is a receding situation but at when this listener comes to the point b here to is point b pe jab ye listener aata hai to us case mein frequency jo wo sunta hai wo nb se hum denote karenge but that will be obtained by using this formula because now in this case it is a approaching situation and approaching situation ke andar bhi vs kitna hai zero hai so just replace this vs by 0 and vl is replaced by r omega so that we can get this v minus r omega that is to be divided by v as it is multiplied by n like this so in this way these are the two formulae to be obtained when the source is at rest and observer is in motion okay
देखो ठीक से, तो ये सब हम समझ सकते हैं। अभी और एक सिंपल सिचुएशन हम कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर मान लो कि एक सर्कल है, तो सर्कल के अराउंड एक सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है, और सेंटर में अगर ऑब्जर्वर बैठा है, लिसनर जो है वो सेंटर पे है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो ठीक से, कि जब ये सोर्स मोशन करेगा, समझो ये सोर्स यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, द सोर्स कम्स एट दिस पॉइंट हियर, इफ सपोज दिस सोर्स कम्स एट दिस पॉइंट हियर, इवन द सोर्स कम्स एट दिस पॉइंट, द सोर्स कोई भी पॉइंट पे जाने दो सोर्स को, लेकिन क्या सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस तो सेम ही है ना। अगर सोर्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो किसी भी पोजिशन में सोर्स विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो द सोर्स इज नाइदर मूविंग टूवर्ड्स नॉर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ sound heard by this observer here when it is present at the center, okay. तो अगर ये observer center पे present है, तो there is no change in the frequency because the Doppler effect is not applied at all here. Why? Because Doppler effect cannot be applied here because the there is no relative motion between source and observer. तो यहाँ पे कोई relative motion है ही नहीं, क्योंकि source जो है वो ना observer के करीब आ रहा है ना ही वो दूर जा रहा है, करके यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और इसी रीजन से हम यहाँ पे बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर, रिमेम्बर। तो ये एक अच्छा सिचुएशन है समझने के लिए, और इवन इफ वी जस्ट चेंज द पोजिशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर स्टिल वी कैन से द सेम थिंग, ओके। अगर सपोज यहाँ पे सेंटर में मान लो कि सोर्स है, ओके, तो सेंटर में सपोज सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है और वो इमिट कर रहा है वेव्स जो कि चारों तरफ ट्रेवल कर रहे हैं और एक्सपांड होते जा रहे हैं, और यहाँ पे लिसनर है, ये सब जो है ये लिसनर्स है, तो लिसनर अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा है, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि इवन द लिसनर विल परफॉर्म द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट विल नॉट बी मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स, एंड दैट्स व्हाई द डॉपलर इफेक्ट इज नॉट अप्लाइड एट ऑल, and that's why there is no change in the frequency of sound as heard by this observer here, okay. So ye baat yaad rakhiye, there is a important situation, suppose there is a car, okay, ek car hai aur samjho ki wo ek particular direction mein move kar raha hai, ye samjho car hai aur usko ek horn hai suppose samne, और सपोज एक पर्सन है, ये समझो यहाँ पे पर्सन है और ये सपोज एक रोड है, ठीक है, और ये रोड के ऊपर से ये कार सपोज ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कांस्टेंट स्पीड से वो जा रहा है, उसको मान लेते हैं सपोज वी एस, क्यों? क्योंकि सोर्स इज द कार ना, कार इज गोइंग टू बी द सोर्स बिकॉज इट इज प्लेइंग द हॉर्न, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स, एंड लिसनर इज एट रेस्ट, ये लिसनर है बट इट इज एट रेस्ट, सो वी एल विल बी एक्चुअली इक्वल टू जीरो, तो लिसनर का जो स्पीड है यहाँ पे वो तो जीरो बन जाएगा, नो डाउट। बट हियर इफ यू कंसिडर the total, suppose whenever this listener car is moving towards the observer, jab tak ye car iske kareeb aa raha hai tab tak kya hoga, ye wala formula humko use karna padega, approaching situation hoga us samay, hai ki nahi, kyunki wahan pe so yahan pe jo hai jab tak car approaching hai tab tak ye wala formula humko use karna padega, lekin jaise ye car पास हो जाता है यहां से, जैसे वो क्रॉस होके इस तरफ निकल जाएगा, तो समझो यहाँ पे कार चला गया, तो अभी क्या होगा, when the car will be at this point here and it will be moving away from the source this time, so when the car will be moving away in this direction from the observer here, so there will be a this situation here, receding situation will be there suddenly,
ओके okay, तो जैसे ही कार पास ऑन पास बाय होता है या क्रॉस करता है लिसनर को, तो तुरंत क्या होगा कि देयर विल बी अ सडन चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. सो इनिशियल फ्रीक्वेंसी वी कैन कंसीडर इट एज एन वन, ओके, और एन आई वी कैन से इनिशियल. आई इनिशियल, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, ओके. एंड एज सून एज दिस कार पासिस बाय द लिसनर, द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय दिस लिसनर विल बी ऑब्टेन टू बी एन एल एन एफ. चलेगा एन एफ, एफ मतलब क्या, फाइनल फ्रीक्वेंसी दैट इज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर. सो अभी एन आई के लिए और एन एफ के लिए कौन से फॉर्मूला होंगे, तो वो हम डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे. एन आई विल बी व्हाट, एन आई के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ. जब तक ये कार अप्रोचिंग है तब तक हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं, तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो, लेकिन इसमें क्या है ना कि वी एल इज गोइंग टू बी जीरो. So if we just put the VL equal as zero, then we can get this V upon V minus VS, and that is to be multiplied by N, where N is nothing but the original frequency as emitted by this source, that is the horn of the car. Okay, but what about this NF here? NF का मतलब क्या होगा यहाँ पे? NF का मतलब है the final frequency or as heard by the observer. So final frequency मतलब just when the car passes by the listener. Suddenly there will be a receding situation because car is now moving away from the observer, and that's why there will be this situation obtained here, that is receding situation. So because of that we can just use these values here and put this V as it is, because V minus VL, VL is going to be zero once again, and upon V plus VS. So VS ke badle kya rakhna hai humko yahan pe, VS hi hai, matlab jo velocity of the car itself. So we can say, and that is multiplied by N here. So this is the, these are the two equations which are constructed for this situation. This is equation number one and this is equation number two, okay. So these, solving these two equations, we can get most of the information here. So अभी इसमें कभी कभी पूछते टाइम, मतलब MCQs के अंदर जब पूछते हैं तो इसमें ऐसा दिया जाता है कि अगर ऐसा दिया है कि the final frequency is 1/4 of the final frequency, initial frequency. Yeah, क्योंकि obviously final frequency will be less than the initial one. ये तो समझ सकते हो ठीक से? तो final frequency is suppose half of the initial frequency. Yeah, final frequency is just 3/4 of the initial frequency. ऐसा अगर दिया है तो उस केस में इसका मतलब हमको ये initial frequency और final frequency का ratio लेना पड़ेगा. If we take the ratio of this NI and NF as well, then we can just get this as NI upon NF will be equal to. अब यहाँ पे इसमें जब इनको दोनों को divide करेंगे ना, तो ये NN cancel हो जाएगा, V भी cancel हो जाएगा, और ये जो V V plus VS है, वो ऊपर चला जाएगा, और ये V minus VS जो है वो नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको मिलेगा finally, देखो ठीक से, so we'll get this V plus VS upon V minus VS. Do you agree with this? So the initial frequency upon final frequency will obtain to be equal to V plus VS upon V minus VS. This will be the equation to be obtained here. कभी कभी तो ये percentage में दिया जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि the frequency, there is a drop of suppose 25% in the frequency of the sound heard by this observer when this car passes by him. तो जब ये कार पास होता है उसके उसके सामने से, जब उसको क्रॉस करता है, तो देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 25% ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस वे. तो अगर ऐसा परसेंटेज में दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि NF इज इक्वल टू NI माइनस दैट परसेंट, दैट इज 25% ऑफ NI ओनली. तो NI के अंदर NI का 25% NI में से कम हो जाएगा, घट जाएगा, और इससे हमको NF मिलेगा. तो ये इक्वेशन जो है इसको यूज करके हम वापस NI और NF के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं, और उसको यूज करके वापस हम NI और NF का रेशियो निकाल सकते हैं, और उस रेशियो को इस रेशियो के साथ इक्वेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना, जिससे ही हमको जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा. अगर साउंड का वेलोसिटी दिया है और कार का वेलोसिटी पूछा है, तो वी कैन फाइंड इट आउट एक्चुअली बाय जस्ट नोइंग दिस ड्रॉप. For example, if suppose there is a drop of 25%, ये drop अगर हमने detect कर लिया किसी भी तरह से, तो तुरंत हम जो पता चल जाएगा कि NF will be actually equal to NI
एनआई इंटू वन माइनस 25/100। समझा कैसे? क्योंकि 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 होता है। तो इससे हमको मिलेगा NF is actually going to be 75/100 times of NI, and this gives of us this NF. NF is equal to just simply 3/4 of NI, correct है? तो ये इस तरह से हमको मिलता है। और अगर ये जो हमको मिल गया तो इसको अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो इस इन दोनों का रेशियो हम ले सकते हैं आराम से, और हमको मिल सकता है NF, actually NI upon NF will be 4/3, right? So if we just equate this 4/3 with the V plus Vs upon V minus Vs. But out of that, this V is already known to us, right? What is V here? It is the speed of sound in air. And speed of sound in air is already, we know it is to be 340 meter per second. Yaad hai na? Yeah, 330 meter per second. So if we just use it here, then we can be able to get this 330, suppose. And here it is 330 again. So अभी यहाँ पे v हमको पता है already. तो इसमें the only thing which is missing here is vs, right? So we can find out vs easily if we just detect the drop of frequency heard by the observer. Actually, foreign countries जो होते नहीं, मतलब जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह जो है, तो वहाँ पे जो कोई भी ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, तो वो एक्चुअली ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप डिटेक्ट करके ही ये पता करते हैं कि कोई भी व्हीकल जो है वो स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहा है या नहीं क्रॉस कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर सपोज ये कोई व्हीकल है और उसके द्वारा जो बजा हुआ है हॉर्न है, अभी ठीक है, अगर वो हॉर्न बजाता है तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है उसका फ्रीक्वेंसी का जो ड्रॉप है। अगर वो नहीं भी बजाता है तभी भी ये हर एक जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनके हाथ में एक मशीन होता है, रॉड के जैसा एक मशीन होता है, उस मशीन में से हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यूअसली इमिट कर रहे होते हैं, इमिट होते रहते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट इंसिडेंट ऑन द कार एंड जस्ट दे गेट रिबाउंड फ्रॉम द कार। सो ये जो इमिटेड वेव्स जो है, उन इमिटेड वेव्स का फ्रीक्वेंसी तो उस मशीन को पता है ऑलरेडी, और जो रिफ्लेक्ट होके आने वाले वेव्स होते हैं, तो रिफ्लेक्ट होके आने वाले वेव्स और इमिटेड वेव्स, इन दोनों के फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके आने वाले जो वेव्स होते हैं वो ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा इमिट किए हुए हो। तो इसलिए ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट किए हुए जो वेव्स है उनका फ्रीक्वेंसी अलग होता है अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट। एंड बाय गेटिंग द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, द मशीन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स द स्पीड ऑफ द कार which is moving already. So ऐसे इस तरह से moving car का जो speed है वो बिना speedometer के बाहर वाले जो policeman होता है, traffic policeman जो होता है, उसको पता चल जाता है. So and इसको ये भी पता चल जाता है कि वो car का जो speed है वो उसके उस road के ऊपर जो speed limit है तो उस speed limit से ज़्यादा है या नहीं है. तो इस तरह का जो automatic system है तो वो वहाँ पे use किया जाता है. तो याद रखो ठीक से, तो उसके हिसाब से फिर उसको पनिशमेंट देना या नहीं देना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? सो दिस इज द अनदर सिचुएशन इन विच द डॉपलर इफेक्ट कैन बी अप्लाइड, रिमेंबर। वन मोर सिचुएशन इज सपोज देयर इज अ एक समझो सोर्स है या एक सायरन है सपोज, ठीक है? ये सायरन, ये सपोज सरफेस, रोड का सरफेस है, और यहां पे दूसरा सायरन है, ठीक है? सेम हाइट पे दोनों, और यहां पे एक पर्सन है, जो कि मान लो कि इस तरफ मूव कर रहा है कुछ न किसी स्पीड से, जिसको हम बोल देंगे VL, okay? Because listener is the person, ना, right? तो इसलिए यहाँ पे उसको हम बोलेंगे VL, VL speed से ये person इस तरफ travel कर रहा है, और ये दोनों siren जो है वो same frequency suppose emit कर रहे हैं, okay? Suppose both of these sirens
इमिट द फ्रीक्वेंसी एन, ठीक है। सो ये जो दोनों सायरन है वो हॉर्न प्ले कर रहे हैं जिनका फ्रीक्वेंसी एन है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इस पर्सन को सुनाई दे रहा है। लेकिन होगा क्या ना कि सिंस द पर्सन इज मूविंग, सो व्हाट विल हैपन इज भले दोनों सायरन्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी के वो हॉर्न बजा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन मोशन में है ना, तो पर्सन मोशन में होने की वजह से क्या होगा कि ये जो पर्सन है वो इस सायरन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और सुनेगा, उसको हम बोल देंगे सपोज एन वन, ओके, और इस सायरन का जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको कुछ और ही सुनाई देगा, जो इसको हम बोल सकते हैं एन टू। एक्चुअली ये एन वन जो है इट विल बी लेस देन एन टू, व्हाई, बिकॉज फॉर एन वन मतलब फॉर दिस सायरन ए हियर, ये इसको हम बोल देंगे ए सायरन, और इस सायरन को बोल देंगे बी, ओके, तो ए सायरन से ये पर्सन जो है वो दूर जा रहा है, तो देयर विल बी अ रिसीडिंग सिचुएशन, सो दिस फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड, एंड ऑलरेडी वी नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ रिसीडिंग सिचुएशन द फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई एन वन कैन एक्चुअली बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस सेकंड फॉर्मूला दैट इज मीन फॉर रिसीडिंग सिचुएशन व्हिच विल एक्चुअली बी। अच्छा, अभी इसमें सायरन तो रेस्ट में है ना, तो सोर्स विल बी एट rest, and that's why the source ka velocity kitna banega? Zero. And that's why we can get this N1 to be simply equal to V minus VL upon V into N. Correct? Hai? And in the same way here, N2 will actually be obtained by using this formula. Ye wala formula aapko use karna padega. Kyun? Kyunki there is an approaching situation here for B. So siren B ke taraf ye person move kar rahe hai, nahi? Since this person is moving towards the siren B, there is an approaching situation for this, and N2 can be obtained by using this first formula here in this bracket. So, ye first wale formula agar use karenge, to usme upar mein kya aayega? V plus VL banega. But still the source is at rest, siren is at rest, and that's why VS is going to be zero. So, only V will be there in the denominator, and that is multiplied with N here. So, here N1 and N2, these are obtained here in this way. And here this N2 minus N1, if you find it out carefully, dekho dik se N2 minus N1 kitna hoga, dekho dik se, so N2 minus N1 will actually be, dekho N2 ka value hamare paas hai already, jo ki V plus VL upon V into N hai, minus V, N1 ka value jo hamare paas already hai yahan pe, jo ki V minus VL upon V into N hai, correct hai? And now here N2 minus N1 becomes actually equal to, if you take this V common and N also common, so ye N bahar aa gaya, ye V bhi ek hi baar le liya denominator mein, to numerator mein kya bachega, dekho likhe, to first bracket mein bachega V plus VL minus second bracket mein bachega V minus VL, correct hai? And now if we just simplify this till further, then we can get this simplified as N2 minus N1, which is going to be equal to, here it is V plus VL minus V plus VL, correct? And that is here to be divided by V simply, and that is multiplied by N, right? So that here we can see V will get cancelled simply. And what we are left with is, तो देखो ठीक से क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, सो एन टू माइनस एन वन विल एक्चुअली बी ऑब्टेन्ड टू बी सिंपली वी प्लस वी एल प्लस वी एल बिकम्स टू वी एल, करेक्ट है, सो दिस इज टू वी एल अपॉन वी इनटू एन, सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी, एंड एक्चुअली डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी व्हेनेवर आवर इयर्स हियर टू फ्रीक्वेंसीज which differ by a very small amount, then in that case, this difference in the frequencies is called as beats. Remember, isko bolte hai beats, yaad rakhna ek se. And the frequency of beats will be N2 minus N1. So N2 minus N1, ye itne beats humko sunai denge per second. Manlo, for example, if suppose this first siren is emitting the frequency, or both of the sirens are emitting the frequencies like 260 hertz, okay, 260 hertz का फ्रीक्वेंसी ये इमिट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये इस मोशन की वजह से, पर्सन के मोशन की वजह से ये जो फर्स्ट सायरन का जो फ्रीक्वेंसी है
तो वो अगर पर्सन सुनता है ये 256 हर्ट्ज सपोज, ठीक है 256 हर्ट्ज, और दूसरे सायरन की वजह से अगर वही पर्सन वो फ्रीक्वेंसी सुनता है मान लो 264 हर्ट्ज, ओके 264 हर्ट्ज, तो जब इस पर्सन को, एक ही पर्सन को दो दो फ्रीक्वेंसीज एट अ टाइम उसके कान में गिरेंगे, सुनाई देंगे, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, मतलब साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड अल्टरनेटली बढ़ेगा और कम होगा, अल्टरनेटली वंस आफ्टर एवरी 8 सेकेंड्स, एट टाइम्स इन अ सेकेंड। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है हमको, ये देखो 264 माइनस 256 कितना बनता है, वो बनता है 8, बराबर 8 हर्ट्ज। दिस 8 हर्ट्ज विल बी कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज एंड इट इज ऑब्टेंड। बीट्स आर फॉर्मड ओनली व्हेन अ पर्सन ईयर और ह्यूमन ईयर हियर्स द टू फ्रीक्वेंसीज विच डिफर स्लाइटली, ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसीज के अंदर अगर स्लाइट डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस है, जैसे अभी यहाँ पे 8 मतलब बहुत छोटा है कि नहीं, इट शुड बी लेस देन 10 एक्चुअली, ठीक है, डिफरेंस शुड बी लेस देन 10, देन एंड देनली वी कैन हियर द बीट्स हियर। सो 10 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो उसको हम बोल सकते हैं दोज मेनी बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड विल बी हर्ड बाय दिस पर्सन पर सेकेंड। रिमेंबर हियर दिस इज अनदर सिचुएशन इन विच वी कैन सी क्लियरली। ओके वन मोर सिचुएशन इज दैट सपोज देयर इज अ कार, ओके सपोज यहाँ पे कार हमारे पास है, ये एक रोड का सरफेस है और यहाँ पे एक कार है, और उसको एक हॉर्न भी है जो वेव्स इमिट कर रहा है, और इस कार के सामने यहाँ पे एक दीवार है, सपोज ये दीवार है, ओके तो अभी होगा क्या ना कि एज सून एज दिस कार विल प्ले द हॉर्न, व्हाट विल हैपन, द साउंड विल जस्ट गेट इमिटेड बाय द हॉर्न, इट विल जस्ट ट्रेवल टुवर्ड्स द वॉल, इट विल जस्ट गेट इंसिडेंट ऑन द वॉल एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक बाय द वॉल एंड इट विल ट्रेवल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड विल बी हर्ड बाय द ड्राइवर विच इज ऑलरेडी मूविंग अगेन इन द कार, ठीक है ना। तो मतलब कार के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, तो अभी इसमें देखो सोर्स कौन है, कार, करेक्ट है, या वी कैन से द हॉर्न ऑफ द कार, जो कार का हॉर्न है वो सोर्स है और उसका जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं वीएस, करेक्ट है। अभी ये जो साउंड है वो साउंड सीधा जाके इस वॉल के साथ रिफ्लेक्ट होके वापिस आता है। अब ये साउंड सुनने वाला कौन है, यहाँ पे ड्राइवर है जो अंदर कार के अंदर ही बैठा हुआ है, और जिस स्पीड से कार ट्रेवल कर रहा है उसी स्पीड से ड्राइवर भी तो ट्रेवल कर रहा होगा कि नहीं, जरूर। तो ये ड्राइवर का जो स्पीड है तो उसको हम बोल देंगे VL, दैट मींस द स्पीड ऑफ लिसनर। लिसनर भी क्योंकि कार के अंदर ही बैठा हुआ है, सो बोथ सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग। अभी यहाँ पे हमको वैसे दिखने के लिए तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करने वाले दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इफेक्ट क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, देखो ठीक से अगर केयरफुली अगर देखते हो
तो पता चलेगा आपको कि एक सेकेंड में अगर देखते हो तो ये जो कार है एक सेकेंड के अंदर यहां से समझ सकते हो ठीक से यहां पे आ जाएगा। समझो कि एक सेकेंड के अंदर ये कार जो है यहां से यहां पे आ गया, ठीक है। तो अभी इसके द्वारा जो इमिट किए हुए जो वेव्स है वो यहाँ पे जाके वापस जब आएंगे तो उनको भी तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गया, तो इसलिए यहाँ पे वेव्स को डबल डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस सिचुएशन विल बी कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू अनदर सिचुएशन इन विच सपोज देयर इज अ कार ओनली, ये सपोज एक कार है, ओके, और उसको सिर्फ हॉर्न है, उसके अंदर कोई ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और इस रोड सरफेस पे जहां पे ये वॉल है, तो हम वॉल को थोड़े समय के लिए नजरअंदाज करेंगे, वॉल को दो मिनट के लिए साइड में रख दो, जैसे कि वॉल है ही नहीं ऐसा मान लो। और उसी रोड पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे, मतलब यहां से वॉल तक का जो जितना भी डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक सिंपल ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है, और वो इस तरफ मूव कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द कार, एंड कार इज ऑलरेडी मूविंग इन दिस डायरेक्शन हियर विद दिस वेलोसिटी VL, सॉरी VS, ओके। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस क्या है कि VS और VL दोनों सेम ही है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे ड्राइवर कहाँ पे बैठा है, कार के अंदर बैठा है और वही सुन रहा है ना, तो ये सिचुएशन इस सिचुएशन के साथ इक्विवेलेंट है जिसके अंदर एक कार हॉर्न प्ले करता है और ये हॉर्न प्ले के बाद जो साउंड है वो साउंड एक ऑब्जर्वर सुनता है और वो ऑब्जर्वर जितने कार का स्पीड है उसी स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे VL और VS विल बी सेम, सो VS विल बी सेम एज VL, विच कैन वी कॉल इट एज अ स्पीड ऑफ द कार विच विल बी डिनोटेड बाय VC If you want. तो ये VC से हम denote करेंगे उसको। तो अभी इस केस में approaching situation होने की वजह से what will the frequency heard by this observer? We can find out it by this formula. So we can get it as NA, that is apparent frequency heard by the observer will actually be V minus VL. लेकिन VL कितना है यहाँ पे? It is VC, that is the speed of car, right? So it will be VC upon here V plus सॉरी अप्रोचिंग सिचुएशन है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सॉरी, तो V प्लस VC अपॉन V माइनस VS, बट VS क्या है, VS भी तो उतना ही है, VC तो है, तो इसलिए यहाँ पे V माइनस VC ही आएगा, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद N हियर, सो दिस विल बी एक्चुअली द फाइनल फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर और ड्राइवर विच इज सिटिंग इन साइड द कार, okay, and whenever a car is moving towards a wall, the sound reflected by the wall plays the same role as if it is heard by the another observer which is at a point of the at a reflection, okay, matlab ye is point ko hum kya bolenge, ye point b jo hai, ye point b is point a ka reflection hai, is wall ke andar ka reflection hai, isko hum bol sakte hain, jaisa agar koi aaina hai to aaine ke andar hum agar aaine ki taraf agar hum badhte hain एक कदम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा इमेज भी तो एक कदम आगे आता है कि नहीं, सेम वैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है हमको कि हमको ये समझना है कि द सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड VS टुवर्ड्स द वॉल एंड एट द सेम टाइम द लिसनर इज गोइंग टू बी द मिरर इमेज विच इज फॉर्म्ड इन द वॉल, मतलब वॉल के जैसे मिरर के अंदर एक मिरर इमेज जो फॉर्म होगा तो उस मिरर इमेज का जो स्पीड है वो उतना ही होगा जितना कार का स्पीड है, और उस स्पीड से वो मिरर इमेज अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो दोनों जब आपस में करीब आएंगे तो उस केस में जो स्पीड जो फ्रीक्वेंसी का साउंड वो सुनेगा उसी फ्रीक्वेंसी का साउंड यहाँ पे इस ड्राइवर को भी सुनाई देगा, ठीक है ना, जो कार के अंदर बैठा है, ओके। चलो ये कंसेप्ट समझ में आया ठीक सबको, ठीक से okay, there is one more application in this formula. देखो इस formula के अंदर हम समझ सकते हैं कि इन सब का जो speed है, चाहे वो
चाहे वो लिसनर हो या चाहे सोर्स हो, इन सबका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, करेक्ट है, कांस्टेंट होता है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो एक रोड सरफेस है और इस रोड सरफेस पे अगर एक कार है और इस कार को अगर हमने एक्सेलरेट किया, देखो ठीक से, सपोज वी जस्ट एक्सेलरेट दिस कार एंड दिस कार इज प्लेइंग द हॉर्न ऑलरेडी एंड दिस कार इज एक्सेलरेटेड, सो इफ सपोज द कार इज एक्सेलरेटेड एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन इन दैट केस इफ सपोज देयर इज अ ऑब्जर्वर हियर, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जो उस कार का जो साउंड है वो सुन रहा है, तो उसको जो सुनने वाला फ्रीक्वेंसी है तो वो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अप्रोचिंग सिचुएशन होने की वजह से नो डाउट एन ए विल बी इक्वल टू वी वी प्लस वी एल, तो जीरो है ना यहाँ पे क्योंकि लिसनर इज एट रेस्ट, सो वी एल इज गोइंग टू बी जीरो एंड दिस वी एस इज द स्पीड ऑफ द कार हियर बट it will be in the denominator. So V plus 0 upon V minus Vs and that is multiplied with N. Correct? But actually, Vs is not a constant here. It is going to be a variable. Okay? So if it is variable, then it, in that case, if suppose its acceleration is given, agar maan lo iska acceleration diya hua hai, suppose A is the acceleration of this car. Okay? A is the acceleration of this car in this direction. And u is zero, मतलब initial velocity उसका कितना है? Zero. So after time t, when the car will be at some point here, its velocity will be different at different instants, right? And we can use the first kinematical equation here. Okay, first kinematical equation क्या होता है? हमको पता है v is equal to u plus at होता है, correct है? तो v is equal to u plus at. ये use करके हमको क्या मिलेगा? देखो, v के बदले क्या हमको रखना है? Vs, because it is the speed of the car at instant t, which is going to be equal to 0 plus a into t, where t is the any time instant. So we can get this Vs to be simply equal to 0 plus at, matlab hi at, and this Vs can be replaced here in this formula, and we can get this Na finally to be equal to V upon V minus at. Into n, and this formula tells us simply that the frequency heard by this observer will not be a constant, but it will depend on this time t here. So जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा, तो ये जो frequency है वो continuously कम होता जाएगा. ये बात याद रखो ठीक से. ठीक है? So frequency will just go on decreasing continuously. On the other hand, if we have the similar situation, अगर suppose same situation है. लेकिन अगर अभी इस केस में सुनने वाला जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है, सुनने वाला मतलब लिसनर जो है, इट इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द कार विद एन एक्सेलरेशन ए एंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड लिसनर एंड द सोर्स इज एट रेस्ट, मतलब देखो देखो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि कार जो है Yes, okay. Suppose अभी दूसरा सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक सायरन है जो कि रेस्ट में है. ठीक है, वो अपना जो खुद का फ्रीक्वेंसी है वही उसके ही साउंड इमिट करने वाला है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कार के अंदर एक बैठा व्यक्ति जो है वो उसकी तरफ दौड़ रहा है. दिस इज सपोज द कार एंड देयर इज अ ड्राइवर इनसाइड. ओके, ये इस कार के अंदर जो ड्राइवर है वो इस तरफ मूव कर रहा है. अभी जैसे ही कार इस तरफ जाएगा तो इस ड्राइवर का काम क्या है? सिर्फ सुनना. तो यहाँ पे ये लिसनर जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, और सोर्स जो है वो एट रेस्ट है, तो वीएस विल बी एक्चुअली जीरो, नो डाउट सोर्स का वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन वीएल इज नॉन जीरो हियर एंड दिस कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ए हियर. सो व्हाट विल हैपन इज द एट एनी टाइम इंस्टेंट टी हियर the frequency heard by this observer will be different and it will be given by na which is equal to ab yahan pe fir se approaching situation hai to formula to wahi aayega no doubt to yahan pe aayega v plus vl
बट यहाँ पे VL के लिए हम क्या यूज करेंगे, VL इज एक्चुअली गोइंग टू बी U प्लस AT, वेयर U इज गोइंग टू बी जीरो एंड हेंस वी कैन गेट इट एज जीरो प्लस AT व्हिच विल बी सिंपली AT. तो VL के बदले अगर हम AT डाल देंगे और नीचे जो है V माइनस जीरो क्योंकि सोर्स इज एट रेस्ट इनटू N एज इट इज, सो वी कैन गेट दिस फाइनली द अपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल एक्चुअली बी इक्वल टू V प्लस AT upon V into N. So this will be actually the frequency obtained by the such a listener which is moving with an acceleration A. Once again, we can note here that this since acceleration is, there is accelerated motion, so the frequency will just depend directly on time here. So ye frequency jo hai wo time ke upar depend karega. Agar hum isko aur thoda simplify karenge aage, to ye V ko agar hum separate kar denge, तो यहाँ पे हमको मिलेगा V अपॉन V प्लस AT अपॉन V, करेक्ट है, इनटू N एज इट इज एंड हियर दिस V विल जस्ट गेट कैंसल्ड एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज सिंपली NA इज इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस AT अपॉन V इनटू N, करेक्ट है. इफ यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस N इनसाइड द ब्रैकेट देन वी कैन बी एबल टू गेट दिस एज NA is equal to N plus AN upon V into T. And this equation, if we just compare it with this Y is equal to MX plus C, then it happens to be equation of line. And since it is going to be the equation of line here, we can just plot the graph between the frequency NA and time T as it is. So, NA को हमने suppose y axis पे डाल दिया और x axis पे मान लो t डाल दिया, तो automatically क्या होगा, देखो यहाँ पे कि ये जो है इन दोनों के बीच में जो graph बनेगा it will be a straight line, but that straight line will not be passing through origin, it is going to be not passing through origin and cutting this y axis at a point which is like c. c मतलब क्या है यहाँ पे, n है, तो n will be the y intercept of this line. And the slope of this line will be the coefficient of this t here, which is going to be the an upon v. Okay, the slope of this graph will actually be equal to a into n upon v in this way. Okay, so these are the some important things to understand in case of the Doppler effect. Okay, so this is all about the chapter. Okay, chapter has been finished here up to the theory level. The MCQs are left as it is. We'll just start the MCQs from tomorrow. Okay, I have already shared MCQs file to you in your app. Okay.